मैं कर लेता, बट इन्हें भेज दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है तो। तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारे साथ रहूं? बस दूर क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा ये, और मुझे नहीं पसंद। और आप नहीं आ रहा मेरे को, मैं आपको लाइक करने लगा। जय बाबा के दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आपने एक वीडियो देखा होगा, रोहन नाम का एक लड़का है जो कि लखनऊ से मुझसे मिलने आया था, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही तो उसको लगता है कि मतलब मैं उसकी गर्लफ्रेंड की तरह दिखती हूँ, और वो मुझसे मिलने ही आया था सिर्फ और बात करने आया था। उस बीच उसने मुझसे ये बोला कि आप मुझसे बात कर सकती हो नहीं कर सकती हो, पर वो अभी तक गया नहीं है। लेकिन मेरा उससे कॉन्टेक्ट हुआ नहीं था। आज सुबह सुबह उसको फ़ोन आया कि मतलब मुझे आपसे मिलना है और कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे करके उसने मुझे बोला। रवि रंजन, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, वो देखी थी तुमने वीडियो, जो कि हाँ उस लड़के से मेरी बात हुई थी। तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसीलिए तुम्हें साथ लेके आई हूँ, ठीक है। जो भी होगा, क्या प्रॉब्लम होगी क्या प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उससे बात करते हैं। मैंने बता दिया है कि मैं यहाँ हूँ, लोकेशन मैंने दे दी है, आता है तो बात करते हैं। और मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है उसको लेके कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही है और मैं उसकी गर्लफ्रेंड की तरह दिखती हूँ, तो मैं कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ इस बारे में। ऐसे तो वो आता है तो उससे खुद ही बात करते हैं, जो होता है जैसा भी है बात करते हैं। तो होता है कि एक सर्कल के बहुत सारे होते हैं। हाँ, उस मतलब उसकी गर्लफ्रेंड रही नहीं, 2-3 महीने हो गए, उसने मुझे बताया कार एक्सीडेंट में मतलब वो नहीं रही। अच्छा। तो वो लखनऊ से मुझसे काफ़ी दूर से मिलना है, पर वो शाम चला जाता। अभी उसको 2-4 दिन हो गए हैं, वो अभी तक गया नहीं है, पता नहीं कहाँ रुका क्या नहीं कहाँ नहीं। तो उसने मुझे सुबह अर्जेंटली बोला बस मुझे मिलना है आपसे और आ जाओ आप, तो आता है तो हम लोग बात करते हैं। A few moments later. आएंगे दीदी, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा, ये कौन आ गया? ये मेरे टीम मेंबर है, मतलब भाई भी है मेरे बड़े। बैठिए। बैठो तुम। ठीक है, बैठ जाओ। बैठो रवि रंजन। ठीक है। क्या हुआ, तुम गए नहीं हो, 2-4 दिन हो गए? नहीं, बस मन नहीं कर रहा तो मैं यहीं रुक गया था। कहाँ रुके हुए हो अभी? अभी वैसे ही होटल लिया हुआ था, वहीं पर ही रुका हुआ था मैं। तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है तुमने? हाँ, बता तो दिया है, बाकी अभी चला जाऊँगा कुछ टाइम में। पूछ नहीं रहे हैं कि कहाँ हो कहाँ नहीं हो? अभी तो नहीं। तो जाना चाहिए ना घर? हाँ, चले जाऊँगा, अभी कुछ दिनों में चला जाऊँगा। हाँ। वैसे तो दिल्ली में आप अकेले होंगे? हाँ, अभी तो अकेले ही हूँ मैं। वैसे लखनऊ से पिछली बार आया था, डायरेक्टली आपके पास आया था, तो मैंने सोचा मन नहीं करा जाने का, तो मैंने सोचा कि यहीं रुक जाता हूँ। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम हो गई सुबह सुबह? मुझे तो लगा आप चले गए होंगे, आपका सुबह सडनली कॉल आया कि क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या बात हो गई बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इन्हें भेज दीजिए, कुछ बात करनी थी मेरे को आपसे। इन्हें क्यों भेजना है? रोहन, कुछ बात करनी थी मेरे को पास। हाँ, तो इनके सामने भी कर सकते हो, भाई है मेरे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जो अंकिता से बात करो, मुझसे ऐसे डायरेक्टली मैं ऐसे बात नहीं कर सकता ना, आप भेज दीजिए ना, मेरे को ऐसे सही नहीं लगा आपसे बात। तो हुआ क्या है, तो मुझे ना थोड़ी घबराहट हो रही है, पर्सनल बात करनी थी ना। एक मिनट सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है, आप इनके सामने भी बात कर सकते हो। वैसे ही मैं सुबह से परेशान हो रही हूँ, तो क्या हुआ है मुझे बताओ। कुछ नहीं, मेरे को बस पर्सनल बात करनी थी, कम्फर्ट नहीं था तो मैंने बोल दिया, आप इनको भेज दीजिए ना प्लीज़। अरे भाई, मुझसे कोई दिक्कत ऐसे नहीं भेज सकती ना, वो साथ हैं तो साथ हैं। अरे हम लोग जब साथ में जाते हैं तो साथ में ही रहते हैं, रूम से बाहर अगर साथ गए तो साथ ही। बात करनी थी, मैं ऐसे सामने नहीं कर सकता, वरना मैं कर लेता, मेरे को पर्सनल बात करनी थी ना। क्या पर्सनल बात करनी है रवि रंजन? क्या करूँ बताओ। अरे हम कहाँ जाए, तुम तो जानती है कि अगर हम लोग रूम से बाहर निकलते हैं तो सब दोनों जहाँ भी जाते हैं साथ में। अच्छा, बात क्या है, बात तो बताओ, बात है क्या, क्या बात है? थोड़ा सा कुछ नहीं, मैं कर लेता, बट इन्हें भेज दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है तो मैं बात कर लूंगा। भाई, मुझसे क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, बस बात करनी थी पर्सनल, इसलिए आपको बोला। तो कोई दिक्कत नहीं है, बात करो आप। अंकिता जी, भेज दीजिए ना इनको। देखो ऐसे मैं क्या करूँगा रंजन, बोलो। अरे अंकिता, कहाँ जाए, हमें इसका कुछ ये हमें ठीक नहीं लग रहा। मैं क्या बोलूँ अब, ये बताओ तुम। इनके को आपसे बात करनी थी, मैं इसलिए आपको सुबह सुबह कॉल करा, आपके पास आया। कोई दिक्कत नहीं होगा यार, किसी के साथ सामने बोल सकते हो। अंकिता जी, भेज दीजिए ना इन्हें, मेरे को कुछ बात करनी है आपसे। तो ऐसे भी कर सकते हो ना तुम रोहन? अंकिता, मैं जा रहा हूँ, मैं हट जाता हूँ, जो भी बात है तुम लोग बात। ऐसे कैसे, ठीक है। हाँ, बात करो। क्या हुआ है रोहन? कुछ नहीं बस, बाकी उनके लिए बुरा मत मानिएगा, मेरे को आपसे पर्सनल बात करनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली क्या है कि मैं जब आपसे मिला था, मेरे को दूर जाने का मन नहीं कर रहा, मेरे को
इसीलिए मैं वापसी नहीं गया, मैं फिर दोबारा आपको कॉल किया मिलने के लिए। दूर जाने का मन नहीं करा, इसका क्या मतलब है? क्या कैसे बोलो, समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैं आपको लाइक करने लगा। मैंने तुम्हें पहले भी क्लियर किया था कि ऐसा कुछ मत सोचना, किया था ना मैंने किया था, बट मैं क्या करूँ, उसकी यादें भी आती रहीं। आपको आप में मेरे को वो दिखी तो मेरा मन नहीं करा आपसे दूर जाने का। यार अंकिता जी, मैं आपको सीरियसली लाइक करता हूँ, मेरे को दूर जाने का मन नहीं करा इसलिए मैं गया नहीं। रोहन, ये क्या बात हो रही है? मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था ना, देखो मैं तुमसे बात कर सकती हूँ लेकिन ऐसा मेरे बारे में कुछ मत सोचना। तुमने बोला था ना कि ऐसा लड़का मत समझना। बोला था बट मेरे को उसकी भी याद आती रही और मेरे को आपके अंदर मेरे को वो दिखी इसलिए मैं आपसे दूर जाने का मन नहीं करा, मैं यहीं रुक गया। रोहन, इसलिए मैंने आपको सुबह कॉल करा मिलने के लिए। मुझे भी नहीं पता था कि तुम अभी तक भी दिल्ली में रुके हुए हो। नहीं बताती मुझे, अब बताओ मैं क्या करूं? बट मैं आपको लाइक करता हूं, समझिए ना। आपने बोला था, मेरे को क्लियर करा था कि आप देखो, पहली बात तो हाथ मत पकड़ो और थोड़ा नॉर्मल होकर बात करो। रोहन, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे आके कहने लग जाओ, क्योंकि आपकी बात ठीक है बट जो चीज़ मेरे अंदर थी मैंने आपको बोला। मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मेरे को दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं है आपसे, क्योंकि मेरे को आपके अंदर वही दिख रही है और मेरे को बार बार मैं उसको भूल भी नहीं सकता। तो इसका आपके साथ मेरे को अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं सब कुछ छोड़ के आपकी लाइफ में आ जाऊँगी, ऐसा तो नहीं है ना। मुझे पता है कि हाँ आपको दिख रही है, आपकी अनीता दिख रही है आपको, और आपको मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है रोहन, बात समझो। मैंने पहले ही कह दिया था तुमसे, और अगर मैं मना कर देती तो तुम्हें हार्ड हो जाता बहुत ज़्यादा कि ये मना कर रही है मुझसे बात करने की। मुझे पता थी ऐसा ही होना होगा, मैं सुबह से ही डर रही हूँ। आप नहीं लगा था बट क्या करूँ, आपके आपसे जब मिला तब आपसे थोड़ी क्लोजनेस हुई, मेरे को मन नहीं करा जाने का। प्लीज़ अंकिता जी। हाँ ठीक है रोहन, बस दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा ये और मुझे नहीं पसंद। और आप ऐसा करो, आप आज ही अपने घर चले जाओ, ठीक है ना? आप यहाँ रहोगे ना, आप मुझसे मिल पाओगे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप बात भी मत करना मुझसे, क्योंकि आपके जो मत बोलिए प्लीज़। नहीं कि जो क्यों जो आपका जो बोल नहीं सकता मैंने तभी आपसे बात। हाँ तो उसको मत भूलो ना, क्यों अपनी नई अपनी फीलिंग बना रहे हो और क्यों अपना नया सब कुछ क्रिएट कर रहे हो, उसको याद रखो। इसीलिए तो मैंने आपको सीधा बोला। देखो ऐसा नहीं हो सकता रोहन, प्लीज़ मेरी बात मानो, ऐसा नहीं। दूर मचे, दूर नहीं जाने की क्या बात है, मैं पास ही कब आई हूँ तुम्हारे? देखो तुम्हारी सिचुएशन बहुत ख़राब है, अभी तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकती, ठीक है? तो इतना मत करो कि मैं तुम पे चिल्लाऊँ या फिर कुछ कहूँ मैं तुमसे, ऐसा मत करो। मना तो मत करिए, मैं आपको लाइक करता हूँ। मेरे को आपसे दूर जाने का मन नहीं था इसलिए मैं यहीं रुक गया, 3 दिन से मैं यहीं पर ही रुका हुआ। तो कब तक यहाँ रुकोगे, कब तक? घर नहीं जाना है? जाना है ना, तुम्हारी भी फैमिली है, तुम्हारी भी लाइफ है ना? है, बट मेरे को आपके साथ अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको सुबह सुबह बुला लिया। मैं तो डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं तो इतना डर गई इस बात से। ये बताओ, तुम्हें सोचना चाहिए ना। आपकी बात ठीक है अंकिता जी, बट आप मेरी भी तो समझिए ना। समझ रही हूँ। आप हाथ क्यों हटा रहे हो, हम तो जानते हैं ना। जानते हैं लेकिन इतना नहीं जानते एक दूसरे को, ठीक है? जितना आप सोच रहे हो, प्यार से मान जाओ, घर चले जाओ अपने, और दोबारा मत मिलना। रिक्वेस्टली बोल रही हूँ, दोबारा मत मिलना, कि मैं दोबारा ये भी मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने आऊँगी अब, ठीक है? घर चले जाओ और जो भी है अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, भूल जाओ मुझे कि मैं हूँ। अगर आपको मुझ में अनीता दिख रही है तो भूल जाओ कि हाँ अनीता है ही नहीं। छोड़ दो वीडियोस देखना, मैं याद ही नहीं आऊँगी तुमको, याद ही नहीं आऊँगी ना। अनीता नहीं रही ना, तो सोचो नहीं रही है, दूसरा जरिया मत ढूंढो। जरिया नहीं, आपके आप गलत समझ रहे हो, मैं आपको आप हाथ क्यों उठा रहे हो? तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं, ये बताऊँ? तुम्हारी बात मानूँ? देखो मैं ये चीज़ें घर में भी बता चुका हूँ। क्या घर में? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अनीता जी, मैं फिर दोबारा नहीं खोना चाहता अपनी अनीता को, प्लीज़ आप मना मत करिए। घर में बता दिया, क्या बताया तुमने घर में? मैंने शादी करना चाहते हो तो वापसी आ गई है, मैंने शादी करना चाहता हूँ आपसे, इसलिए मैं आपसे सुबह बात करने आ गया। रोहन सुनो मेरी बात, ये कुछ ठीक नहीं है। क्या तुमने घर में बता दिया? क्या बताया तुमने घर में, ज़रा मुझे बताना, बताओ ज़रा, कि एक अनीता जैसी लड़की दिख गई है मुझे और मैं उससे प्यार करने लगाऊँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ये सब बताया तुमने घर में? बोलो।
यार अनीता प्लीज। अनीता अंकिता, अनीता नहीं, अनीता नहीं, अंकिता, अंकिता बोलो मुझे, अनीता नहीं हूँ मैं तुम्हारी। रोहन जाओ यहाँ से तुम, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुम घर जाओ, चलो यहाँ से। जा रही हूँ मैं, जाओ रोहन प्लीज़ समझो मेरी बात को, जाओ। मैं घर में ही बता चुका हूँ, समझा करिए। मैं तुमने मेरे से एक बार भी पूछा, बताने से पहले तुमने एक बार भी पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, पूछा तुमने मेरे से बताने से पहले? वो मेरी गलती है, बट मेरे को लगा था कि लगा था क्या क्या लगा था बोलो, प्लीज मना मत करिए। क्या मना नहीं करूं? मैं नहीं खोना चाहता आप दोबारा से, प्लीज समझा करिए। किसको नहीं खोना चाहते? मुझे अपनी अनीता को नहीं खोना चाहता। कहाँ है अनीता, कहाँ है अनीता, तो बताओ, होनी भी तो चाहिए अनीता। यार मुझे आप में अनीता, इट्स अंकिता, अनीता नहीं, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है सिर्फ अनीता और अंकिता में, ठीक है? आप गलत समझ रहे हो, मेरे को आप में अनीता दिखी तभी मैं आपके इतना। रोहन जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे नहीं बात करनी, मैं चिल्लाना नहीं चाहती तुम पे, बस क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी जो लाइफ पार्टनर जो भी थी तुम्हारी, वो इस दुनिया पे नहीं है, तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर ये नहीं समझ सकती तुम, इस बात तुम्हारी इस बात से एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इस बात को एग्री नहीं कर सकती बिल्कुल। यार दूर तो मत जाओ। तो कहाँ जाऊँ, तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे साथ रहूँ? ये तुमने इमेजिनेशन कर लिया, तुमने घर में बता दिया कि मैं शादी करूंगा या मैं इस लड़की से मिलने आया हूँ जो मेरी अनीता जैसी दिखती है मुझे, ऐसा सब सोच रहे हो तुम मेरे बारे में? मेरी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ बहुत अलग है, तो प्लीज़ रोहन जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जाओ यहाँ से, और कॉल मत करना मुझे दोबारा, मुझे पता थी यही सब होना है, ठीक है? तो जाओ यहाँ से, जाओ रोहन। यार नहीं मैं भूल सकता आपको, समझा करो। अनीता को भूल गए? नहीं भूल सकता, मेरे को आप में अनीता दिखती है तभी तो मैं आपसे इतना क्लोज हूँ। यार अनीता जी मत जाइए ना प्लीज़। अनीता जी क्या अनीता लगा रखा है, अनीता क्या, तुम मुझे अनीता अब क्यों बोल रहे हो? मेरे को बिल्कुल अनीता की तरह लगते हो तभी मैं आपसे बोल रहा था। रोहन जाओ यहाँ से प्लीज, जाओ प्लीज मत जाइए। रोहन जाओ यहाँ से प्लीज, तुम जाओ, मेरे से मिलना मत दोबारा, प्लीज रिक्वेस्ट है तुमसे, जाओ।